हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी टेलीग्राम। दोस्तों, निफ्टी टेलीग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं अगली वीक की क्या तैयारी रहेगी, बिग प्लेयर की क्या पोजीशन बनी है, आज मार्केट में क्या किया गया हमारे बिग प्लेयर द्वारा, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियल में हमारे जो प्रॉप वो पुट की बाइंग करके गए थे, उन्होंने आज पोजिशन थोड़ी सी क्लोज की जो 929 को, ये पता चल गया कि वो मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं पुट की अपनी बाइंग की पोजिशन क्लोज करने के लिए। 21,670 का सपोर्ट था यहाँ पे, रेजिस्टेंस 21,829 का, न्यूट्रल पॉइंट 21,755 के बाद, और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था, उसका सपोर्ट नीचे साइड 21,560 के ऊपर शिफ्ट होके नीचे आया। वो क्या कर रहे थे, कॉल की इनिशियल में 21,700 की राइटिंग कर रहे थे 11,600 को, यानी वहाँ पे अगर निफ्टी में देखा जाए तो लगभग 11,30 तक नीचे मार्केट को रखा गया। उन्होंने मार्केट जानबूझ के नीचे रखा थोड़ी सी राइटिंग करके, ताकि वहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाए। बैंक निफ्टी का डेटा जबरदस्त बुलिश था, उसके बाद 21,750 के ऊपर उन्होंने क्या करे, प्रो पुट राइटिंग करने लगे जबरदस्त वाली, लगभग 12:30-1 बजे करीब उन्होंने राइटिंग किया, मार्केट को ऊपर लेके गए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा था, मार्केट जो बैंक निफ्टी था वो आज अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो ये लाइव में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कैसे, ये डेटा के ऊपर अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करते होंगे तो डिस्कस करेंगे। आज FII ने थोड़ी सी कैश में बाइंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। चलिए अब डेटा के ऊपर देख लेते हैं क्या हुआ। तो मैं आपको फ्यूचर्स का बाई फॉरगेट डेटा बताऊंगा। आज लगभग 8,900 क्वांटिटी नेट बेसिस पे चेंज हुआ, किसमें, आपको इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, जिसमें 1,362 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी में लॉन्ग किया गया, 7,909 कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी में लॉन्ग किया। अगर कल आप देखें तो निफ्टी यहाँ पे शॉर्ट किया गया था, बैंक निफ्टी भी थोड़ी, तो कल मार्केट नीचे की तरफ गिरता रहा, आज उन्होंने लॉन्ग करके गए हैं, ये बाइफर्गेशन है। अब इसकी थोड़ी सी नेट टू नेट हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे क्या हुआ। रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे क्लोज किया गया फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, लॉन्ग की जो पोजीशन बनी थी उसमें से लगभग 22,800 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग क्लोज किया, शॉर्ट 9,800 क्लोज किया गया, दोनों साइड क्लोज किया गया, लॉन्ग की तरफ ज़्यादा क्लोज किया गया, तो 83,000 से 70,000 इनका पोजीशन नेट टू नेट रह गया। इनको ये लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, इनिशियल में जब मार्केट नीचे आएगा तो क्लोज करा दिया गया इनसे, अभी भी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बुलिश ही बैठे हुए हैं। DII के पास 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, FII के पास 83,000 है शॉर्ट में, और प्रो के पास 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो शॉर्ट है। आप ये चारों को ऐड करेंगे पांचों को तो जीरो हो जाएगा चारों, यानी पूरे के पूरे इक्वल में देखा जाए तो दो प्लेयर रिटेल ट्रेडर एंड प्रो बुलिश, DII एंड FII बेयरिश, आज इतना इनका नेट टू नेट पोजीशन चेंज हुआ। यानी अगर नेट बेसिस पे देखा जाए 14% रिटेल ट्रेडर बुलिश है, 5% उस 14% में 5% हमारे DII बेयरिश, 17% FII बेयरिश, 7% जो बुलिश हैं वो हमारे प्रो हैं। तो आप अगर इस दोनों डेटा को ऐड करेंगे तो 22% बुलिश का और 22% बेयरिश का भी आ रहा है डेटा। ये हमारा डेटा रहा इंडेक्स फ्यूचर का। अब स्टॉक्स फ्यूचर में 41% रिटेल ट्रेडर बुलिश, 52% बेयरिश है DII, 3% से यहाँ पे FII बुलिश, और 8% प्रो बुलिश। ये आपको स्टॉक्स फ्यूचर का, स्टॉक्स में बहुत सारा आपको 182 स्टॉक्स हैं तो उसमें से बाई फॉरगेट थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको ऑप्शंस का। ऑप्शंस में मार्केट जब नीचे आए तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जबरदस्त कॉल की राइटिंग कर रहे थे, लगभग 4 लाख उन्होंने राइटिंग की, बाइंग 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किया, 2,35,000 नेट बेसिस पे उन्होंने राइटिंग की, तो बाइंग की पूरी के पूरी इनकी पोजीशन क्लोज हो गई, इन्होंने आज फ्रेश राइटिंग किया। ये आपको मार्केट का डायरेक्शन इनकी तरफ नीचे दिखा रहा है राइटिंग का, जबकि इनके पास पुट की जो है राइटिंग पड़ी थी 4,41,000 का, 11,53,000 उन्होंने पुट की बाइंग की, 9,69,000 राइटिंग भी किया, नेट टू नेट 1,84,000 पुट की बाइंग किया, ये इनका पोजीशन बेयरिश बता रहा है, यानी कल मंडे के लिए। FII ने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग की। अब पुट साइड इनके पास जो है पुट की उन्होंने सेलिंग भी की, लगभग 1,28,74,000 बाई किया, 53,000 ज़्यादा उन्होंने पुट की सेलिंग की, ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। प्रो 69,000 कॉल की बाई करके गया है, ये बुलिश है, और उसने 2,40,000 से यहाँ पे पुट की राइटिंग किया, 1,09,000 पुट की बाइंग किया,
130,000 ज्यादा उसने क्या किया, बाई राइटिंग किया है पुट की, ये भी बुलिस डेटा है। यानी मंडे के लिए मार्केट में बुलिशनेस है। अभी कहाँ पे प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है, 21,780 का जो नंबर था इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो जब 21,830 के ऊपर निकल जाता है बुलिश होइए, टारगेट 22,000 का रखिए, स्टॉप लॉस 21,760 का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा निफ्टी में। क्लोजिंग एकदम क्रूशियल पॉइंट है, तो मंडे ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो 45,890 का लेवल हमारा एक सपोर्ट था, वहीं से अच्छा खासा बाउंस बैक किया और अभी इमीडिएट सपोर्ट 45,384 का है। इसके ऊपर का टारगेट अभी हमारा 45,872 का है, ऊपर में टारगेट, इसके ऊपर निकलेगा तो 46,270 का। नीचे फिन निफ्टी का देखा जाए तो 19,930 का लेवल, 970 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। फिन निफ्टी वहीं से ऊपर आया, ऊपर में रेजिस्टेंस 20,264 का, यानी 20,276 का रेजिस्टेंस है। यहाँ तक एक बार टच करेगा हमारा फिन निफ्टी। और मिड कैप निफ्टी जो 10,641 का सपोर्ट था, वहाँ से इमीडिएट सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ पोजीशन दिया है। तो ऊपर के लेवल में भी 10,934 का लेवल है। दोस्तों ये अभी डेटा है, आप डिटेल में कल मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें कि कहाँ पर राइटिंग हुई उनकी, कहाँ पर बाइंग हुई, ये सब कुछ बताया जाएगा। यानी ओवरऑल मंडे के लिए डेटा है बुलिश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप ये सब कुछ अगर ऑप्शंस में सीखना चाहते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में यहाँ पता चलेगा, तो हमारा नेक्स्ट बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही शानदार जबरदस्त डेटा के बारे में बता देता हूँ, वहाँ पे स्ट्रेटजी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का पसंद क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वॉइस से जरूर सलाह लीजिए उन्हीं के सलाह पर। मिलते हैं कल एक ऑनलाइन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।